हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, मेरा चैनल नया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मैं आपको ज्वेलरी दिखाऊंगी। ये जो ज्वेलरी है ये मेरी खरीदी हुई ज्वेलरी है, ठीक है, जो मैंने अपनी शादी में पहनी थी। आपको मैं पूरी ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ। देखिए, बाहर से कुछ इस तरीके से, अगर आप इसको अंदर से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसको मैंने अपनी शादी में पहना था, ठीक है। देखिए, ये मैंने ज्वेलरी खरीदी थी, ये मैंने सदर बाजार दिल्ली से खरीदी थी और लगभग मुझे 1500 रुपये की ज्वेलरी पड़ी थी ये, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ज्वेलरी को खोल के कि ज्वेलरी कैसी है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और मेरी शादी के पिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये ज्वेलरी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले ज्वेलरी बॉक्स खोल लेते हैं, ज्वेलरी बॉक्स खोलते हैं तो आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगी ये ज्वेलरी, ठीक है। ये दो ये है वो चौकर है का, देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल है। देखिए आप इसकी खूबसूरती, देखिए नग, देखिए एक एक नग कितने प्यारे लगते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जोधा अकबर जो सीरियल आता था, अगर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, तो उसमें जो जोधा पहनती थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये चौकर आपको, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए दूर से तो आप सोच सकते हैं ये कैसा लगा होगा। मतलब उस दिन मैंने पहना था अपनी शादी में, उसके बाद मैंने इसको आज तक नहीं पहना है, कोई मौका नहीं मिला। और इतनी हैवी ज्वेलरी ऐसे पहने भी नहीं जाती, शादी में ही अच्छी लगती है ये, ठीक है। देखिए ये चौकर आपको मैं और अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम नेक को मतलब इतना अच्छा लुक देता है, बहुत ज़्यादा। और अगर आपका प्लेन ब्लाउज़ है या ब्लाउज़ में वर्क कम है तो आप इस चोकर को मतलब अगर आप पहनेंगी तो बिल्कुल बहुत अच्छा जचेगा, देखिए, ठीक है। और इसके साथ मुझे देखने को मिला इसमें बॉक्स में ये जो हार है, ये बड़ा हार, देखिए देखिए, मैंने ये तो नहीं पहना था क्योंकि मुझे एक बहुत ज़्यादा सिंपल लुक चाहिए था, जिसके लिए मैं मुझे अगर मैं ये पहनती तो मुझे थोड़ा लुक जो है अपना जो ओवर लगने लगा, इसलिए मैंने इसको नहीं यूज़ किया। बट अगर आप इसको छोटे चोकर के साथ पहनते हैं, किसी गोल्डन कलर के छोटे चोकर के साथ आप इसको पहनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। देखिए बहुत ज़्यादा प्रीटी है, इसके एक एक नग देखिए, इसका जो शाइन है वो देखिए आप, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये जो है बड़ा हार है इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और देख लेते हैं क्या क्या है बॉक्स में। ये देख लीजिए, ये है रखड़ी, आप सभी पहचान गए होंगे, जो मांग टीका होता है वो है ये। देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, मैं इसको सही से निकाल के दिखाती हूँ आपको, साइड में रख देते हैं। शायद ये, अब देखिए आप इसका डिजाइन देखिए, इसका लुक देखिए, किस तरीके से देखिए, कितना मतलब कितना प्रीटी लग रहा है। इसको पहनने के बाद आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं कंप्लीटली दुल्हन बन गई हूं। बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत लोगों ने तारीफ करी इसकी, बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर हाँ, आप इसको वैसे भी किसी दिन तीज त्यौहार पे अगर आप पहनना चाहते हो तो आप इसको पहन सकते हैं, बहुत प्यारी रखड़ी है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये जो ज्वेलरी है, हाँ एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ज्वेलरी अगर आप लेना चाहती है अपनी शादी में पहनने के लिए तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे दूंगी उस पर, ओके। ये मैं रेंट पे भी देती हूँ, बट रेंट के लिए एक जो है वो कंडीशन है कि अगर आप नियर बाय जयपुर हैं तभी आप कॉल करें, तभी मिल सकती है, अदरवाइज ये ज्वेलरी आपको नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, आप इस तरीके की ज्वेलरी मार्केट में वो ट्राई कर सकती हैं, शायद आपको मिल जाए देखने को, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे, ये देखिए ये हैं इसके इयररिंग्स, देखिए कितने ज़्यादा प्रीटी हैं, मतलब कि ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एकदम गॉर्जियस लुक देते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लुक देते हैं।
आपको बड़ा हार भी पहनने की जरूरत नहीं है। ये जो है ज्वेलरी, ये बहुत ज्यादा रिच लुक देती है, एकदम राजा महाराजा वो टाइप लुक देती है आपको। देखिए ये इयररिंग्स हैं, इनकी शाइन देखिए, आज तक नहीं गई, लगभग 3 साल हो गए मुझे इस ज्वेलरी को खरीदे हुए और आज तक इसका जो कलर है वो फॉल्ट नहीं हुआ है, एकदम ऐसे की ऐसे ही गोल्डन कलर है, बिल्कुल कहीं से भी कोई काला नहीं पड़ा है, कहीं से भी ना कोई नग उतरा है, आप देख सकते हैं अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छी है। इनफैक्ट आज के टाइम पे ये ज्वेलरी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बाजूबंद कितना प्यारा, कितना क्यूट बाजूबंद है, देखिए कितना स्वीट है, बहुत ज्यादा अच्छा है। और नेक्स्ट बारी आती है अब हथफूल की। हथफूल अगर आपने शौक रखती हैं पहनने का तो आप पहन सकती हैं शादियों में, मैंने भी पहना था एक्चुअली हथफूल, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, देखिए ठीक है। और ये देखिए ये दूसरे हाथ का हथफूल है, देख लिया। ओके अब बारी आती है नथ की। नथ जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखो किसी को पसंद होता है किसी को नहीं पसंद होता पहनना, बट मुझे तो एक रजवाड़ा लुक चाहिए था अपनी शादी में, तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इतनी ज्यादा हैवी नथ नहीं है, सिंपल नथ है बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा छोटी सी नथ है, मतलब इतनी प्यारी सी नथ है। ओके ये जो है ये देखो कितना प्यारा है ना, कहीं से कोई कलर फॉल्ट नहीं हुआ इसको, काफी दिन हो गए इसको रखे हुए, कोई अभी यूज में नहीं आ रही मेरे, अगर किसी की शादी होगी तो उसमें मैं इसको डेफिनेटली दूंगी ताकि वो भी अपनी शादी में पहन सके, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो में मैंने अपनी ज्वेलरी दिखाई आपको जो अपनी शादी में पहनी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं ऐसे ही और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।